आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर। लखनऊ से है, जहां प्रदेश के पहले 108 फीट ऊंचे धर्म ध्वज का लोकार्पण आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। बता दें, इस दौरान पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन के साथ बड़ी संख्या में विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। बता दें, आज के दिन ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्नपूर्णा सेवा के एक साल पूरे होने के अवसर पर सभी अतिथियों ने निशक्त जनों को 501 तिरंगे और भोजन वितरण किया। खबर गोंडा से है, जहां पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत लकड़ी तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सागौन की लकड़ी की तस्करी करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 82 बोटा सागौन की लकड़ी बरामद की, जिसके बाद अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। खबर गोंडा से है, जहां मनकापुर तहसील के सभागार में रजिस्ट्रार राजस्व निरीक्षक बलराम वर्मा के सेवानिवृत्त होने पर विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसीलदार पैगाम हैदर ने और संचालन लेखपाल राम पूजन यादव ने किया। कार्यक्रम में सबसे पहले तहसीलदार पैगाम हैदर ने सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार राजस्व निरीक्षक को फूलमाला पहनाकर अभिवादन करते हुए सम्मानित किया, जिसके बाद उप जिलाधिकारी आकाश सिंह ने शॉल भेंट कर सम्मानित किया। खबर कानपुर से है, जहां नरवल तहसील क्षेत्र के अंतर्गत महाराजपुर थाना परिसर में स्वतंत्रता दिवस मोहर्रम और रक्षाबंधन को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए उप जिलाधिकारी और सीओ ने संभ्रांत लोगों के साथ बैठक आयोजित की। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी ने कहा, जिला प्रशासन सभी पर्वों को अच्छे ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तत्परता के साथ सक्रिय है। और इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो स्थानीय पुलिस के साथ करबला का निरीक्षण कर पैदल गश्त किया जाए। गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों के विकास और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार ने खजाना खोल दिया है। ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ आदि प्रतियोगिताओं में पदक विजेता प्रदेश के खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा और इसके लिए स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही इन प्रतिस्पर्धाओं के पदक विजेताओं पर लाखों करोड़ों रुपए की धन वर्षा भी की जा रही है। नाग पंचमी के अवसर पर स्थानीय स्तर के सभी पहलवान उपस्थित होकर के इस कुश्ती प्रतियोगिता के साथ यहाँ पर सहभागी बनते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर कुश्ती संघ मिलकर के इस कार्यक्रम को अत्यंत रोचक बनाने में अपना योगदान देता है और आकर यहाँ पर इस प्रतियोगिता की प्रति में जो यहाँ के दर्शकों की रुचि को देख रहा था, अत्यंत जानते हैं आज से नहीं बल्कि उसके जैसे आयोजन प्राचीन काल से ही भारत के अंदर भारत के पराक्रम को, शौर्य को प्रदर्शित करने का एक माध्यम रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक अस्पताल की इमारत में आग लगने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के मुताबिक आरोपी की पहचान निखासा निवासी राजा अंसारी के रूप में हुई है, जिसे 3 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अस्पताल की 3री मंजिल में 28 जून की रात आग लगा दी थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आरोपी की पहचान हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी अस्पताल की बिल्डिंग में आग लगाते हुए नजर आ रहा है। एसपी के मुताबिक पुलिस की सिफारिश पर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने की मंजूरी दी। देखिए, जहां तक अस्पताल का मामला है, संभल का जिला अस्पताल है, उसके अंदर भी करप्शन बहुत ज्यादा है। मेरे पास ये रिपोर्टें हैं, समझिए कि वहाँ के भी अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वहाँ गुंडागर्दी भी होती है और साथ साथ इसके पैसा भी वहाँ वसूल किया जा रहा है। खबर मैनपुरी से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा रैली निकाली और कस्बा में भ्रमण किया। बता दें, रैली का शुभारंभ सीओ चंद्रकेश और DIOS मनोज कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे जनपद में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तिरंगा रैली यात्राएं निकाली जा रही हैं। कल 1 तारीख को करैल में निकाली गई थी, आज 2 तारीख है, आज देवर में ये रैली है। तो पूरे जनपद में एक एक करके ये जनपदी रैलियां निकलेंगी ब्लॉक स्तर पे, और जनपद स्तर की जो रैली 8 तारीख को मैनपुरी में होगी। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे 75वां स्वतंत्रता दिवस में हम लोगों को, बच्चों के माध्यम से आम आदमी को और पूरे जनमानस को यह संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे आज़ादी के वीर सपूतों ने इस देश को आज़ाद कराया, तो हर व्यक्ति को आज़ादी के महत्व को समझने की ज़रूरत है। खबर अलीगढ़ से है, जहां कांग्रेस नेताओं ने प्रेस के माध्यम से जन जन तक महंगाई को लेकर संदेश पहुंचाया और कहा लगातार देश में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से आम जनता की जेब पर इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। महंगाई यदि इसी तरह से बढ़ती रही तो गरीब की रोजी रोटी को भी लाले पड़ जाएंगे। महंगाई के ऊपर रखी गई है कि चरण से पर महंगाई जा रही है, उसके पेपर किया जो भट्टो जी ने बताया है, महंगाई के ऊपर रखी गई है और आम आदमी बिल्कुल त्रस्त हो चुका है। हर चीज़ में उन्होंने GST लगा दी है, हर चीज़ में, आटे से लेकर दही से लेकर। क्या मांगे हैं? GST कम की जाए, महंगाई को कम किया जाए और जो अग्निवीर को जो लाए हैं इसके जो व्यवहार बिल्कुल चेंज की जाए। कवर नहीं करते क्या बन जाए? अगर आपकी धरना देंगे साहब, ज्ञान में अभी धरना चल रहा है कांग्रेस पार्टी का और धरना दिया जाएगा। ऐसी स्थिति यहाँ बनी हुई है, उसको लेके कांग्रेस पार्टी अगले 10 दिनों के तक पूरे प्रदेश में ही नहीं अभी तो पूरे राष्ट्र में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने जा रही है, जिसके तहत हम 5 अगस्त को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं और 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त चलो गांव की ओर एक योजना लाए हैं कांग्रेस पार्टी, जिसके तहत प्रत्येक लोकसभा में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कांग्रेस पार्टी पदयात्रा निकालेगी। खबर देवरिया से है, जहां का मंदिर श्री राम जानकी हनुमान मंडप बाबा सरजू दास मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस विख्यात मंदिर में दूर दराज से लोग आकर पूजा पाठ करते हैं। मान्यता है कि सदियों दशक पहले सरजू दास बाबा खड़ाऊ पहनकर नदी के इस पार से उस पार तक पैदल चलते थे और बाढ़ प्रभावित इलाकों को अपने चमत्कार से बचाते थे। देवरिया मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर एकोना ग्राम स्थित जहां सरजू दास बाबा की प्रसिद्ध सुविख्यात मंदिर है। आपको इस मंदिर की मान्यता बता दें कि इस मंदिर की मान्यता है कि लोग बताते हैं कि इस मंदिर में सरजू दास बाबा खड़ाऊ पहनकर
पैदल नदी से इस पार से उस पार चले जाते थे। और उस मंदिर की मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी मन्नतें मांगी जाती है वो सदैव पूर्ण हो जाती है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत बता दें कि इस मंदिर में हवन कीर्तन पूजन पाठ दूर दराज से लोग आकर करते रहते हैं। और इस गांव में जो भी शुभ काम होता है पहले इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है, फिर गाँव में कुछ काम किया जाता है। ऐसे इस मंदिर में सदैव दूर दराज से लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। और सरजूदास बाबा काफी प्रसिद्ध बाबा माने जाते हैं जो एकोना गांव में स्थित है। यह मंदिर सुप्रसिद्ध मंदिर है, विख्यात मंदिर है। मैं प्राइम टीवी के साथ रवि रावत, देवरिया। खबर गाजियाबाद से है, जहां रात में करीब 9:30 बजे एक स्कॉर्पियो में भरकर 4 युवक आए और उनसे आइसक्रीम फ्री में देने को कहा और आइसक्रीम नहीं मिलने पर आइसक्रीम वाले का सरेआम पिटाई कर दी और इसकी धमकी देते हुए कहा कि अगर तूने किसी को बताया तो तेरी फिर से पिटाई कर देंगे। वहीं मौके पर खड़े स्थानीय लोगों ने बताया कि आइसक्रीम वाले को 4 युवकों ने बुरी तरह पीटा और उससे मोबाइल भी लूटने की कोशिश की, लेकिन वहां पर पब्लिक होने के कारण वो उसको पीट कर मौके से फरार हो गए। यहाँ 4 लोग आए स्कॉर्पियो से और पीटने लगे। क्यों पीटने लगे भाई? पता नहीं, ऐसे ही उतरे पीटने लगे हैं। अच्छा, कुछ बताया भी नहीं। किस पे आए थे 4 लोग? स्कॉर्पियो से। आइसक्रीम खाई तुम्हारी? पैसे लूटे? नहीं, कुछ भी नहीं खाई, मार पीट करके चले गए। तुमने किस शिकायत करी पुलिस को? कुछ शिकायत तो नहीं की। तो पुलिस कैसे आ गई यहाँ पे मौके पे? फिर वो आ गई है। खबर अमेठी से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पूरब गांव पोस्ट सरेसर राजस्व विभाग के खाते में रास्ते के नाम दर्ज जमीन पर गांव के ही एक युवक ने अवैध अतिक्रमण कर मकान बनाया, जिसको लेकर राजस्व कर्मी ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराकर अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की है। अतिक्रमण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया युवक ने। अमेठी से खबर सामने आई है, जहां पर राजस्व कर्मी ने ही न्याय की मांग की है। खबर बुलंदशहर से है, जहां आगामी मोहर्रम जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने और शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जुलूस निकलने वाले मार्गों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और जनसामान्य से संवाद स्थापित कर अपील की गई कि आगामी मोहर्रम जुलूस को आपसी सद्भाव सौहार्द एवं शांतिपूर्ण परंपरागत तरीके से मनाए, अपने परिवार और आसपास के व्यक्तियों को भी प्रेरित एवं जागरूक करें। संगम नगरी प्रयागराज में नागपंचमी के पर्व पर प्रयागराज के विभिन्न शिवालयों में शिव भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। विभिन्न स्थानों पर समाज सेवियों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। कई स्थानों पर गंगा चमुनी तहजीब की झलक भी देखने को मिली। यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्वागत किया। मुस्लिम भाइयों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए कहा, ये तस्वीर बिगाड़ने वालों के लिए एक संदेश होगी और आपसी भाईचारा बनाए रखने में लोगों के लिए संदेश का काम करेगी। इस कार्यक्रम की स्थानीय लोगों ने भी प्रशंसा की। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का बात है, जो कि हम हिंदू मुसलमान भाई एक हैं और मांडा में आज पिछले कई वर्षों से हम लोग एक हैं और रहे थे। कुछ अराजक तत्व जो थे वो लोग ने ऐसा किया, लेकिन फिर भी हम लोग एक हैं, एक रहेंगे। और ये जलाभिषेक जो हुआ है ये काफ़ी मतलब ऐतिहासिक हुआ है। प्राचीन काल से चला आ रहा है जलाभिषेक, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था जो इस बार हुआ है। समय की स्थिति चल रही है, इस स्थिति में, इस दौर में ये गंगा और जमुनी की जो तहरीज हुई है, जो हिंदू और मुस्लिम एकता हुआ शिव मंदिर पर, ये बहुत ही अच्छा है और यह पूरे देश को देख करके इसकी सीख लेना चाहिए। हम कांवड़ियों के सबको पहले सबसे पहले यहाँ पर इनका अभिनंदन करना चाहते हैं और सभी देशवासियों को हमारे तरफ से ये नागपंचमी के पावन अवसर पे हम शुभकामनाएं देते हैं और हम एक संदेश अपने माध्यम से ये देना चाहते हैं कि एक ही इसी तरह से हम लोग को एकजुट होके हर त्यौहार को मिलाना चाहिए और विवादों से दूर रहना चाहिए
और हम लोग एक साथ एक मिल के एक त्यौहार बनाएं और एक देश को एक एक ऊंच स्तर तक ले जाएं। गंगा जमुनी तहजीब के लिए पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखने वाले संगम नगरी प्रयागराज में आज एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर देखने को मिली है। चूंकि आज यहाँ पर नागपंचमी का पर्व है और ऐसे में प्रयागराज के विभिन्न शिवालयों में शिव भक्त सुबह से ही जलाभिषेक कर रहे हैं। इस समय मैं ग्राम पंचायत मांडा में हूँ और यहाँ पे जो सबसे अच्छी तस्वीर देखने को मिली है, यहाँ पर जो मुस्लिम भाइयों हैं उन्होंने कांवड़ियों के ऊपर पुष्प की वर्षा की है। किस तरीके से पुष्प की वर्षा की गई है, क्या संदेश देना चाहेंगे, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय मांडा के प्रधान जी हैं। प्रधान जी, आपने यहाँ पर पुष्प वर्षा की है, कांवड़ियों को क्या कहना चाहेंगे? सभी कांवड़ियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और सभी कांवड़िय हिंदू मुस्लिम सब मिल के एक जैसा त्यौहार मनाएं। अभी आगे मुहर्रम आ रहा है, उसमें भी सब सही का सहयोग है हमारा, सब साथ मिल के हम लोग मनाना चाहते हैं। अब जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि कई जगहों पर लोग आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की बातें करते हैं, आप लोग यहाँ पर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम एक है, चूँकि कहा जाता है कि अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही आपने कहा है, जैसे इसी को देखते हुए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा हुआ है ताकि लोग हिंदुस्तान के लोग देखें और इसको सब एकता बना के रखें, सब एक दूसरे को मिलजुल के त्यौहार मनाया जाए। बिल्कुल, तस्वीरें साफ तौर से आपसी सौहार्द को बिगाड़ने वालों के गाल पे एक जोरदार तमाचा भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज में अभी हाल ही के दिनों की बात की जाए तो जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी, ऐसे में आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले के चेहरे लगातार सामने आए हैं और आज जो ये मांडा में तस्वीर है निश्चित रूप से देश को एक बड़ा संदेश देती हुई नजर आ रही है। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। खबर गाजीपुर से है, जहां भीमापार गांव में नागपंचमी के मौके पर बाबा बटेश्वरनाथ मंदिर स्थित अखाड़े में आयोजित स्वर्गीय बाला सिंह स्मारक कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवानों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रिंस सिंह ने कहा कि कुश्ती हमारे देश का प्राचीन खेल है और सभ्यता व संस्कृति से जुड़ा है। हर साल नागपंचमी और वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में स्वर्गीय बाला सिंह कुश्ती प्रतियोगिता में कोने कोने से पहलवान आते हैं, उनके आने से क्षेत्रीय पहलवानों को उनसे सीखने का मौका मिलता है। ये कुश्ती हमारे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही है, हमारे पहले बाबा जी भी थे, फिर उनके पापा के हमारे भाई भी हैं, नेशनल में उनका मेडल भी था, वहीं से मतलब हम भी मतलब तैयारी की, वही बताया कुश्ती मतलब लड़ाई में अच्छा मतलब है कवरेज, यही मतलब अपने घर परिवार से ही सीखा। ये नागपंचमी का ये पर्व होता है, ये हमारे यहाँ मतलब बहुत खुशी से कुश्ती का एक बहुत बड़ा पर्व है नागपंचमी का। इसके ऊपर हर गांव में ये पचैया के नाम से जाना जाता है, पचैया का दंगल हर गांव में होता है। और सबसे खुशखबरी की बात है कि हर गांव में ये दंगल होता है, गांव से लोग जिला से प्रदेश से कुश्तियाँ लड़ते हैं, लेकिन ये दंगल एक ऐसा होता है जो बाप के नाम से लड़ा जाता है, मतलब एक खुशी से लोग लगता है कि फलाना का लड़का है, ये इनका लड़का है, गाँव में आपस में ये कुश्तियाँ होती हैं, बहुत मतलब सुनकर बहुत अच्छा लगता है, बड़े बड़े दंगल भी होते हैं। खबर फरुखाबाद से है, जहां शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के तीन बिचौलिए और दो युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, बीते दिनों कमालगंज थाने में लुटेरी दुल्हन के खिलाफ पीड़ित पति ने मुकदमा दर्ज कराया था कि शादी के दो दिन के अंदर ही लुटेरी दुल्हन लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर चंपत हो गई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने दो युवतियों समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके साथ शादी इन लोगों ने जो अशोक दीक्षित हैं, ये रहने वाले हैं धानमंडी के, इन्होंने इन भैया से इनका संपर्क था, तो इन्होंने धीरे धीरे इनसे संपर्क बना के फिर इन्होंने बोला कि हमारी शादी आदि हो जुगाड़ लगाओ कहीं से, तो इनने कहा ठीक है हम आपकी शादी करवाएंगे। इन लोगों ने 1,30,000 रुपए लिए भैया से, 1,30,000 रुपए लेने के बाद नकद रुपए भी ले लिए, उसके बाद में शादी कराई। इनका ये ग्रुप वाला धंधा है, इन्होंने दो दिन वो लड़की रुकी, तीसरे दिन वहाँ से चली आई। क्या लड़की का नाम था? लड़की का नाम लक्ष्मी था भैया। अच्छा। और जो माल जेवर है वो भी सारा लेके आए, और जो इनके बगल में जो साथ में पकड़ी गई लेडी, ये मौसी बन के गई और दवा की गोली इनके घर पे दे के आई। किनको किनको दवा गोली खिलाई? पूरे घर को ही खिला दी, इनके भैया के विनोद तिवारी। नींद गोली खिला दी सबको एकदम, चाय में दे दी। शादी कराई थी किसने? अशोक दीक्षित। हाँ, फिर इनने शादी कराई पहली तारीख को जी, इतवार की रात में जी, वापस उसको लिवाला मेरे घर से निश्चित, और मोनू और जो खुशबू थी, पांच छह बंदे जाकर रात में निकाल रहा। तो जी, कोई ग्रुप चलाते हैं क्या अपना? हाँ, ग्रुप चलाते हैं।
एक व्यक्ति ने करीब 1.5 लाख रुपए ले लिए और साथ ही जिससे शादी कराई थी वह दुल्हन भी शादी के उपरांत उनके घर से करीब 50,000 नकद एवं 1,70,000 रुपए के जो जेवरात थे वो लेकर भाग गई है। पुलिस ने उक्त मामले में अभियोग पंजीकृत किया और साथ ही थाना कमालगंज पुलिस के द्वारा उस पूरे जो ठगी का ग्रोह है उसका भंडाफोड़ किया है और आज उसके 5 सदस्य जिसमें 3 दलाल और 2 महिलाएं शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया है। उनको सुसंगत धाराओं में जेल भेजकर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जनपद में एक सनसनी केस मामला सामने आया जहां पर एक ऐसा गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस के द्वारा किया जा रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें जो लुटेरी दुल्हन है वो पैसे लेके फरार हो जाती है। आपको बताना चाहेंगे पूरा वाक्य वो थाना कमालगंज क्षेत्र का है जहां के एक ग्राम कढ़र के निवासी विनोद के द्वारा बीते दिनों 6 तारीख को एक मुकदमा दर्ज कराया गया जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी शादी 1 तारीख को हुई थी और उनकी जो पत्नी है रूबी वह 50,000 रुपए की नकदी व लगभग 1,70,000 रुपए की जेवरात एक उनका मोबाइल फोन लेके फरार हो गई है। साथ ही उन्होंने दर्ज कराई गई तहरीर में यह भी कहा कि उनके जो शादी कराई गई थी वो शादी कराने के लिए भी लगभग 1.5 लाख रुपए की जो नकदी ली गई थी। वहीं इस मामले में अब पुलिस के द्वारा कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें 2 युवतियां 3 युवक भी हैं। वहीं मामले की मिली जानकारी के अनुसार जो एक गिरोह है वो एक बहुत ही सातराना अंदाज से ऐसे लोगों को निशाना बनाता था जो उम्र दराज है उनकी शादी नहीं हो पाती थी। उनको शादी का झांसा देकर उनसे पहले रुपए लेते थे जिसके बाद शादी होने हो जाने के बाद जो उनकी जो पत्नी होती थी वो 1-2 दिन के अंदर ही घर से रफू चक्कर हो जाती थी और नगरी पर भी हाथ साफ कर जाती थी। लेकिन इस बार जो पीड़ित पति था उसके द्वारा तहरीर दी गई और पुलिस ने भी तत्परता दिखाई और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं एक कहन के पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया जिसमें पता चला है कि इन लोगों द्वारा पहले भी बहुत घटनाओं का अंजाम दिया गया है। पुलिस अभी पूछताछ भी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि जब पीड़ित पति के द्वारा इस मामले पर मीडिया से बात की गई तो उसने बताया कि उनकी शादी 1 जुलाई को हुई थी और जब शादी हुई थी उससे पहले भी कुछ जहानगंज क्षेत्र के कुछ लोगों के द्वारा जो कि दलाल बताए जा रहे हैं उनके द्वारा लगभग 1.5 लाख रुपए की नकदी ली गई थी और जिसके बाद शादी कराई गई। वहीं शादी होने के 2 दिन के अंदर ही जो पत्नी थी वो लगभग 50,000 रुपए नकद 1,70,000 रुपए के गहने व एक मोबाइल फोन लेके चंपत हो गई थी। इसके बाद परेशान विनोद के द्वारा इस मामले में थाना कमालगंज में 6 जुलाई को तहरीर दर्ज कराई गई थी जिसमें कुल 5 लोगों को नामजद किया गया था। वहीं पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही थी और बीते दिन पुलिस को इस मामले में सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने 2 युवतियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक ऐसा भी वीडियो सामने आया जिसमें गिरफ्तार की गई लुटेरी दुल्हन जब पुलिस के चंगुल में फंसी तो वहां पर वो हाथ जोड़कर माफी मांगती हुई नजर भी आई और कान पकड़ के भी माफी मांगती नजर आई। साथ ही वह घर जाने की गुहार भी लगाती हुई नजर आई। पुलिस अभी इस मामले में तफ्तीश कर रही है। इस मामले पर पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है। वहीं पुलिस यह कह रही है कि जल्द पूरे मामले का अनावरण किया जाएगा। कहेंगे पुलिस जो जानकारी मिली है कि पुलिस इस मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है और पुलिस को भी लग रहा है कि ये जो गिरोह है इसके द्वारा पूर्व में भी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया होगा। कहेंगे कह सकते हैं कि जो जनपद में घटना सामने आई है लुटेरी दुल्हन की वो बहुत ही सनसनी केस वारदात है और एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है कि जो उम्रदराज लोगों को अपना शिकार बनाता था। वहीं देखने वाली बात होगी कि अब इस गिरोह के द्वारा जो सामने जानकारी है कि कितने लोगों को और शिकार बनाया गया है, क्या सिर्फ यही एक पीड़ित है या और भी इस गिरोह के लोग शिकार हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ प्राइम टीवी के लिए फरुख खवास से सुंदरम सिंह। खबर गाजीपुर से है जहां मरीज लेकर जा रही एम्बुलेंस बेकाबू होकर पुल की रेलिंग से टकरा गई। इस हादसे में मरीज समेत 2 की मौत हो गई है और एम्बुलेंस में बैठे मरीज के 4 परिजन घायल हो गए जिसके बाद आनंद फानन में घायलों को इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया। मारुति वैन जो कि एम्बुलेंस के रूप में प्रयोग की जा रही थी उसको वो जा रही थी बक्सर से वाराणसी की तरफ जो है वो जा रही थी। 8 लोग उसमें सवार थे। एक डिवाइडर को ब्रिज पे डिवाइडर को टकराने से 2 जो है वो गाड़ी पलट गई थी। 2 लोगों की मृत्यु उसमें हुई है। 6 लोग उसमें अस्पताल में भर्ती है। ये गाड़ी जो है वो पहले प्रयागराज से बक्सर गई थी ये पेशेंट को लेके और बक्सर से फिर वो वाराणसी की तरफ गई थी। इसी में ये घटना जो है वो हुई। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।